सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान को खदेड़ कर रख दे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आखिरकार वह दिन आ चुका है जब वर्ल्ड कप 2019 का और इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में खेला जाएगा। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2019 का 21वां मुकाबला यह मैनचेस्टर के मैदान पर दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। हालांकि दोस्तों, इस मुकाबले को लेकर अभी भी काफी ज्यादा विवाद चल रहे हैं क्योंकि मैनचेस्टर में बारिश का माहौल बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग की मानी जाए तो मुकाबले में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के आसार तो बताए जा रहे हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश का कोई आसार नहीं है। ऐसे में यह बात तो तय है कि आज भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में होने वाला यह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक रहेगा। और अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो आप हॉटस्टार के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही टीवी चैनल्स पर आप स्टार स्पोर्ट्स के चैनल्स पर इस मुकाबले को लाइव देख पाएंगे। दोस्तों, अगर बात करी जाए भारत और पाकिस्तान की टीम की तो दोनों ही टीमें एक से बढ़कर एक हैं। भारतीय टीम के पास जहां कप्तान विराट कोहली से लेकर महेंद्र सिंह धोनी का अनुभव है और जसप्रीत बुमराह की तेज तर्रार रफ्तार है, तो वहीं विरोधी टीम के पास ही मोहम्मद आमिर की शानदार गेंदबाजी, बाबर आजम और फकर जमान जैसे धाकड़ बल्लेबाज हैं जो कि पहले भी भारतीय टीम के खिलाफ धाकड़ प्रदर्शन करके दिखा चुके हैं। लेकिन अगर ऐतिहासिक आंकड़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने ज्यादातर पाकिस्तान की टीम को हराया है। ऐसे में यह कहना तो गलत नहीं होगा, भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम पर ज्यादा भारी पड़ेगी मुकाबले की शुरुआत से ही। साथ ही दोस्तों, अगर इस वर्ल्ड कप की बात करी जाए तो भारतीय टीम ने अब तक 2 मुकाबले खेले और दोनों में ही जीत हासिल करी है, तो वहीं एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल पाया क्योंकि बारिश के कारण वह मुकाबला रद्द हो गया था। अगर पाकिस्तान की टीम की बात करी जाए तो पाकिस्तान की टीम ने 4 मुकाबले में से केवल एक में जीत हासिल करी है, 2 मुकाबले हारे और पाकिस्तान के खाते में भी 1 मुकाबले का नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में तो पाकिस्तान की टीम भारत की टीम से काफी ज्यादा पीछे रह चुकी है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम के खिलाफ फाइट बैक करके अपनी पोजीशन को बेहतर करना जरूर चाहेगी। लेकिन दोस्तों, असल मौका तो भारतीय टीम के पास है। हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान की टीम ने किस तरीके से भारतीय टीम को बुरी तरीके से मुंह के बल घेर के हराया था। आज भारतीय टीम के पास वह मौका है, लगभग वही प्लेइंग 11 है जो कि पहले थी, और एक बार फिर से वह मौका हाथ आ चुका जब भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड की सरजमी पर हरा सकती है। आपको यह बात जानकर भी काफी ज्यादा खुशी होगी कि इस समय भारतीय टीम का लगभग हर एक खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहा है, चाहे बल्लेबाजी की हो या फिर गेंदबाजी की, हर एक खिलाड़ी मैदान पर अपना 100% देता हुआ दिखता है। और जब बात पाकिस्तान की आ जाती है तो हमारी टीम के खिलाड़ी तो मैदान पर आकर और भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर पहलू को आंकने के बाद भी इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि पाकिस्तान की टीम कमजोर है, तो अब सबको नतीजे का इंतजार रहेगा कि किस तरीके से भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम को हराकर एक बार फिर से इतिहास रचेगी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी तो इस बार कौन विजेता बनेगा, भारत या फिर पाकिस्तान? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।